कोरोना वायरस का साया पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। स्थिति काफी गंभीर बन गई है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आज लॉकडाउन यानी बंद की स्थिति में है। भारत में भी अब यह वायरस अपना पैर जमा रहा है, जिसको देखते हुए भारत के कई राज्यों ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संकट के मद्देनजर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। यह आंकड़े बेहद ही चौंका देने वाले हैं। आज के समय में यह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड और 36,000 लोगों पर क्वारंटाइन बेड है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े 17 मार्च तक के हैं। आंकड़ों के मुताबिक स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रति 11,600 भारतीयों पर एक डॉक्टर और 1826 भारतीयों के लिए अस्पताल में एक ही बेड है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक अनुराग अग्रवाल ने कहा, हम कोरोना के प्रसार के दूसरे चरण में हैं और इस चरण पर सामाजिक दूरी बहुत प्रभावकारी है। स्टेज 3 में लॉकडाउन की जरूरत है। हमारे सर्विलांस डेटा के अनुसार इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हर मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक दूरी इसे फैलने से रोकने की कारगर हो सकती है। भविष्य के लिए जनता कर्फ्यू एक अच्छी प्रक्रिया है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक ऐसा लगता है कि सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शुक्रवार को बैठक पर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भारत फिलहाल कोरोना वायरस के प्रसार के दूसरे चरण में है और हम आवश्यक कदम उठाकर इसके तीसरे चरण तक पहुंचने के जोखिम को कम कर सकते हैं। पर अगर स्थिति तीसरे चरण में पहुंच जाती है तो यह एक बड़ा ही विकराल रूप ले लेगी। भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 11,54,686 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर और सरकारी अस्पतालों में 7,39,024 बेड हैं। 125 करोड़ की आबादी इस महामारी को नहीं झेल सकती। इस महामारी को रोकने का एक माध्यम यह है कि लोग बिना वजह अपने घरों से ना निकलें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।